नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट। एंड अंशिका आज वापस से आ गई है एक अच्छा सा वीडियो लेके। अब आपने जैसे वीडियो के टाइटल से तो पढ़ लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक के बारे में। ये बेसिकली वीडियो मेरा बनाने का सबसे बड़ा मोटो है, जो कॉलेज गोइंग गर्ल है या ऑफिस गोइंग गर्ल है, यार हमारे पास रेगुलरली ना बहुत टाइम नहीं होता है मेकअप करने का, ठीक है, क्योंकि बहुत बार तो ऐसा होता है ना कि हम जल्दी जल्दी भाग रहे होते हैं। तो ये जो मैं मेकअप का आपको पूरा ट्यूटोरियल बता रही हूँ ना, ये इस चीज़ में ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इट हार्डली टेक्स योर 5-10 मिनट्स मैक्स टू मैक्स, और आप टोटली एक प्रेजेंटेबल लुक में आ जाओगे, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं कि हम बिना कुछ और यू नो फर्दर डिस्क्रिप्शन के मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, ताकि ज़्यादा टाइम ना हो। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि आप मेरे चैनल स्टे परफेक्टली इम्परफेक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोज़ को ऐसे ही लाइक करिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट थिंग वी हैव टू डू फॉर बिफोर स्टार्टिंग आवर मेकअप, सबसे पहली चीज़ तो यू हैव टू जस्ट वॉश योर फेस थरली। मैंने अपना फेस वॉश कर लिया है, उसको पैड ड्राई कर लिया है, ओके। नाउ द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू टाई अप योर हेयर्स बिफोर डूइंग मेकअप। सो राइट नाउ व्हाट आई एम यूजिंग अ हेडबैंड, ओके। सो आई जस्ट पुट दीज ऑल हेयर्स बैक लाइक दैट। नाउ ऑल द हेयर्स आर बैक। What I will do, सबसे पहली चीज़ जो हमको करनी होगी, हमें ये करनी होगी कि हमने फेस वॉश किया है, नाउ आई हैव टू यूज टोनर। देखो, टोनर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। सो राइट नाउ हेयर आई एम यूजिंग अ प्लम टोनर। वॉट यू हैव टू डू, सिंपली यू हैव टू जस्ट टेक अ कॉटन पैड, यू हैव टू टेक फ्यू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट लाइक दैट, ओके। एंड वॉट यू हैव टू डू नाउ, यू जस्ट हैव टू पैट टोनर लाइक दैट, ओके। बहुत सॉफ्टली, बहुत हल्के हाथों से आपको टोनर को पूरे फेस में अच्छे से अप्लाई करना है, ओके। एंड या वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट योर नेक, ओके। नाउ योर टोनर इज यू नो ड्राई, अभी हमको क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ जो कि हमें यूज़ करना है इसके बाद, एक मॉइस्चराइज़र। नाउ आई हैव अ वेरी सेंसिटिव स्किन, आई एम टेलिंग यू, वेरी ऑयली स्किन, तो मैं कभी भी कोई ऐसा मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ करती हूँ। आई सिंपली यूज़ एलोवेरा जेल, कोई भी एलोवेरा जेल, राइट। ऐसे हमेशा ही सर्कुलर मोशन में अप्लाई करना चाहिए। एंड यस, डोंट फॉरगेट योर नेक एज आई सेड। अब आप ऐसे देख पा रहे होंगे कि ये अच्छे से अप्लाई हो गया। नाउ व्हाट एक्चुअली ना, इसके बाद मेकअप अगर तुम्हें कुछ लगाना है बेसिकली, तो हमारे पास एक चीज़ आती है प्राइमर। नाउ व्हाट आई डू ना, मैं ये अगर लगा लेती हूँ ना, तो मैं कभी भी प्राइमर नहीं लगाती इसके जगह, बिकॉज दिस वर्क एज अ ब्यूटिफुल प्राइमर फॉर एवरीडे पर्पज, ओके। नाउ द थिंग दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज सनस्क्रीन, ओके। आई एम यूजिंग दिस लोटस फेशियल यूवी स्क्रीन मैट जेल SPF 50। मैंने इसका डिटेल्ड रिव्यू किया हुआ है कि ये सनस्क्रीन, इट्स जस्ट ऑसम, आई हैव नो अदर वर्ड्स फॉर दिस, दिस इज ऑसम, ओके। सो यू कैन यूज इट। नाउ आई एम टेकिंग दिस सनस्क्रीन, ओके, सम लिटिल अमाउंट। व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट अप्लाई लाइक दैट, ओके। डोंट फॉरगेट टू अप्लाई इट अंडर आई एंड ऑल्सो लिटिल बिट ऑन नेक, ओके। नो वट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट यूज योर टू फिंगर्स एंड यू हैव टू अप्लाई इट इवनली, ओके। नाउ इट्स टाइम फॉर BBCC क्रीम, बिकॉज एवरी डे में मैं तो सजेस्ट करूँगी कि यूज़ BB एंड CC क्रीम। हेयर आई एम यूजिंग लैक्मे 925 CC इन द कलर बेज, ओके। What do you have to do? And many people were there who use, you know, some brushes and all for this, for applying this. I never use. I just... So if you want a more coverage, then you can definitely go for a foundation. But मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर आपको एक natural look create करना है for everyday basis, then BBCC cream is a much better option. Also, one more thing I want to mention, that never ever forget your neck while applying these BBCC or foundation of your choice. आई नो कि देखो, जब आप फिंगर्स यूज़ करते हो तो थोड़ा सा प्रोडक्ट हाथ में रह जाता है, आई नो बट क्या होता है ना यार, हम जब डेली में यूज़ करते हैं ना ये सारी चीज़ें,
तो क्या होता है ना, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है, कि मैं ब्रश निकालूं एंड जस्ट ब्रश अप्लाई करूं और ये सारी चीज़ें। तो मैं तो भाई हाथों का ही यूज़ करती हूँ, मस्त एकदम अच्छे से मिक्स हो जाता है, देखो एकदम सब कुछ सेटल हो गया, करेक्ट। तो अब सारा बेस तैयार है, फाइन। नाउ व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, यार अगर आप ऑफिस गोइंग हो ना, तो यार आई शेडो, बहुत बेसिक आई शेडो, बहुत लाइट कलर, यू कैन यूज़ इट, ओके। आई हैव टू ऑप्शंस फॉर यू फॉर द आई शेडो, वन इज मेबलिन कलर सेंसेशन, दिस वन, द सेकेंड वन विच आई एम टॉकिंग इज रेवलॉन का आइकॉनिक फीवर, दिस वन इज अ वेरी ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल आई शेडो, ओके। एंड आई स्पेसिफिकली आई लव दिस कलर फ्रॉम दिस आई शेडो, दिस वन, ओके। सो राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस वन ओनली। मैं क्या करती हूँ, मैं सिंपली फिंगर्स का यूज़ करती हूँ, ओके। आई टेक अ लिटिल बिट अमाउंट ऑफ आई शेडो, आई जस्ट पैट इट, सिंपल, नॉट नथिंग मोर। सी सिमिलरली आई पैट इट हियर ऑल्सो लिटिल बिट अमाउंट एंड आई एम रेडी टू गो। Can see that it's very minimum and at the same end it will look enhance your look, correct? Now jo up, you know, up humko na ending touch dena, humne eyeshadow laga liya, everything laga li, now you can use the liner. So what I have done after the eyeshadow, I have just applied the liner. आई हैव स्किप दिस पार्ट बिकॉज मैं उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना चाहती थी, दैट्स वाई मैंने क्या किया, लाइनर पहले से लगा लिया है। इफ़ यू वॉन्ट टू सी हाउ आई हैव अप्लाइड दिस लाइनर, यू जस्ट आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जिसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है हाउ टू क्रिएट और हाउ टू यू नो टू अप्लाई दिस विंग लाइनर, ओके। सो आप वो वॉच कर सकते हो, सो आई जस्ट स्किप दैट वीडियो, this that part. Now the second thing what I am going to do is applying a little bit of kajal, okay. Kajal kya hota hai na, ek definition deta hai line ko. Agar aap nahi lagana chahte, it's up to you, because now what parts one two things that I am going to do next, wo totally it's up to you. Aap if you want to do, you don't want to do, it's up to you. Bahut hurry mein ho to wo skip bhi kar doge, that will be also okay. Now so you just have to apply little bit of kajal, okay. बहुत ज़्यादा मोटा मत लगाना, बिकॉज वो फिल ना बहुत ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं लगाना, क्योंकि वो बहुत ड्रामेटिक दिखता है, मतलब इट डोंट लुक, यू नो, गो विद द डेली एवरी डे मेकअप, ओके। सो आई हैव अप्लाइड अ वेरी लिटिल लाइनर ऑन माई यू नो वॉट लाइन एंड आई एम यूजिंग दिस प्लम, आई लव दिस लाइन, लव दिस काजल, ओके। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोइंग टू यूज इज I'm adding a little bit more definition to my eyes using this mascara, okay? So I'm applying a very very little bit of mascara, not so much, because the bahut zyada nahi karna mujhe, so I applied a very little bit, okay? Now the next step what I'm doing is applying a lipstick, that's the favorite part. Now you can use any nude lipstick what you have, बिकॉज क्या होता है, मैं एवरी डे लुक में ना बहुत ज़्यादा बोल्ड लिपस्टिक नहीं लगाना चाहती। देखो मेरा डिफरेंट केस है, आई कैन अप्लाई अ वेरी बोल्ड लिपस्टिक ऑन डेली बेसिस बिकॉज आई लव टू प्ले विथ कलर्स, बट नॉर्मली इफ यू वॉन्ट टू डू अ डेली एवरी डे मेकअप, यू कैन यूज़ अ वेरी न्यूड और पिंकिश न्यूड शेड लिपस्टिक, ओके। राइट नाउ वॉट आई एम यूजिंग इज द शुगर लिपस्टिक, इट्स शुगर, ओके, आई यू नो मैंशन द शेड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, बट आई लव दिस लिपस्टिक। इसका टेक्स्चर बहुत ज़्यादा ट्रांसफर प्रूफ नहीं है और बहुत ज़्यादा टिकता भी नहीं है, बट स्टिल द कलर द टेक्स्चर इज ब्यूटिफुल, दैट्स वाई आई एम अप्लाइंग दिस, ओके। सो सी सो आई एम अप्लाइंग द लिपस्टिक एंड द कंप्लीट लुक इज रेडी हियर। अब दो ज्ञान की बातें, पहली, अगर आप पूरा मेकअप करने के बाद कॉम्पैक्ट यूज करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर इट। कॉम्पैक्ट क्या करता है, हमारे मेकअप को सेट करके रखता है, ताकि अगर जैसे बहुत लोगों की ऑयली स्किन है या बहुत पसीना आता है तो उसके कारण वो कंट्रोल कर सकते हैं, तो यू कैन यूज़ कॉम्पैक्ट ऑल्सो और अ लूज पाउडर। नंबर टू, मैंने एक होममेड टोनर बनाया था जिसका वीडियो मैंने शेयर किया था अपने यूट्यूब चैनल पे, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी। वो एक बहुत अच्छे सेटिंग स्प्रे के तरह भी काम करता है, तो इफ़ यू वॉन्ट टू सेट योर मेकअप फॉर अ लॉन्गर टाइम, तो आप डेफिनेटली उसको यूज़ करो।
सो आई थिंक आई हैव हेल्प यू पीपल आप कि आप फटाफट वाला मेकअप कर लो एंड द सेम हैंड इट विल लुक गुड. अगर आपको कुछ और सजेशंस मुझे देने होंगे तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा. एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो. अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया ना तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए ताकि वो भी एवरी डे मेकअप के लिए ना स्ट्रगल ना करें एंड फटाफट से मेकअप कर लें. एंड ऑल्सो नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आप मेरे ऐसे वीडियोज़ को मिस ना करें. एंड एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, बिलीव इन द फिलॉसफी ऑफ लविंग योर सेल्फ. बाय बाय.